नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और साक्षात्कार के इस दौर में अभी हम हैं माननीय महोदय श्री एम डी कावरे जी के यहाँ। महोदय नमस्कार, आपका स्वागत है। आप छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारियों में सम्मिलित हैं जिन्होंने पारिवारिक अभाव के बावजूद आपने अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयनित होकर क्षेत्र का गौरव और मान बढ़ाया है। आप विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सफलतापूर्वक परिणाम स्वरूप आपने अपने दायित्व का निर्वहन भी किया है। आप मूलतः बस्तर क्षेत्र से आते हैं, अभावग्रस्त क्षेत्र से होकर भी आपने इतनी प्रतिभा और उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो आज हम अपनी टीम के साथ आपके यहाँ आपके इन उपलब्धियों के लिए आपका साक्षात्कार के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आइए इसी के साथ सवालों का दौर आपके साथ नॉर्मल जो बातचीत है वो चालू करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है वो क्या रही है और आपकी प्राथमिक शिक्षा एवं अध्ययन की चुनौतियों के बारे में आप अवगत कराएंगे। जी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और जो निवास स्थान है ये बस्तर संभाग के बीजापुर ज़िले के बुरजे गांव पड़ता है, जहाँ पर कि मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई जी। ये जो बीजापुर से करीब 12 किलोमीटर दूर पड़ता है और जब मैं प्राइमरी स्कूल में था उस समय जो है और हमारे ही मोहल्ले में स्कूल हुआ करता था जहाँ की प्राथमिक शिक्षा मेरी हुई। और चूँकि वहाँ स्कूल के साथ साथ टीचर क्वार्टर भी था तो एक टीचर भी वहाँ पर जो है उसी टीचर क्वार्टर में रहा करते थे और उनकी एक खासियत बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को जो है जब एग्ज़ाम का पास में आता था तो 2-3 महीना पहले अपने घर में बुलाते थे और घर में ही मिट्टी तेल की रोशनी में वो पढ़ाया भी करते थे और हम लोग उनके टीचर्स क्वार्टर में जाके वहाँ पर पढ़ते थे और फिर सुबह जो है हम लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। ये शायद ऐसा बहुत कम होता है जी। उन्होंने जो है ये इस तरह का जो है प्रयोग किया था और ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद फिर कभी हमको जो है कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। मतलब आप स्वयं अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे चल के सर, आपको जो जो इस प्रशासनिक सेवा में आने का कैसे अवसर आपका मन बना या कोई ऐसी घटना हुई या जो भी? देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है मैं बीजापुर के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर मिडिल स्कूल के लिए पढ़ने गया। वहाँ हॉस्टल में जो है हम लोग रहते थे और बीजापुर से फिर वहाँ भी एक जो हमारे टीचर थे उन्होंने मेरा नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरवाया था तो उसमें मैं ब्लॉक में टॉप किया। फिर उसमें विशेष स्कॉलरशिप मिलनी थी तो कुछ सिलेक्टेड स्कूल में ही हम लोग जो है पढ़ते तो वहाँ स्कॉलरशिप मिलती तो वहाँ फिर से वहाँ से मैं बस्तर हाई स्कूल जो है जी। वो भी सिलेक्टेड स्कूल था, वहाँ पर जगदलपुर हेडक्वार्टर में मेरी हायर सेकेंडरी परीक्षा हुई। वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी किया और फिर हायर सेकेंडरी के बाद जो है इंजीनियरिंग करने का जो है क्योंकि मैं मैथ्स स्टूडेंट था तो इंजीनियरिंग के लिए भी पीईटी उस समय एग्ज़ाम हुआ था, पीईटी में सिलेक्शन हुआ और फिर क्योंकि जगदलपुर बस्तर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज था और एक साल पहले ही वहाँ नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था जी। तो मैंने फिर वहाँ से बी किया है जगदलपुर से और बी करने के बाद जो है ऐसा संयोग बना कि मैं वहाँ के कॉलेज से फिर मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक करने के लिए चला गया जी। और आईआईटी दिल्ली से फिर मैंने एमटेक किया। जब मैं एमटेक कर रहा था तो वहाँ जो मेरे रूममेट थे जी। उनका पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस में यूपीएससी में
आई एस सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे भी ऐसा शौक हुआ कि मुझे भी आई एस बनना है। और फिर मैंने वहाँ से प्रिपरेशन चालू किया और इस क्षेत्र में आने का, प्रशासनिक क्षेत्र में आने का सोचा। अन्यथा मैं संभवतः इंजीनियर बन के ही जो है रहता। और चूंकि मुझे वहाँ दिल्ली में रहते समय ही इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरे को रेलवे मिल गया था और मैं रेलवे में ज्वाइन भी कर लिया था जी। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र का अलग अपना एक होता है, क्योंकि हम शायद रेलवे में रहते हैं तो शायद कहीं साउथ में पोस्टिंग होती है या जी जी। कोई नॉर्थ में पोस्टिंग होती, अपने क्षेत्र में शायद पोस्टिंग नहीं होती। लेकिन इस क्षेत्र में आने का इसलिए सोचा कि अपने क्षेत्र में काम करने का भी अवसर मिलेगा और लोगों की कुछ हम जो है सेवा कर पाएंगे, क्षेत्र में सेवा कर पाएंगे, उसके लिए फिर मैंने इस क्षेत्र को चुना जी। जी जी सर, ये आपका अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। आपने लालटेन की पढ़ाई से चालू की है और आप आईआईटी भी मतलब गए हैं, तो आप जो है सर इसमें आपके जो प्रशासनिक सेवा के लिए आपके कितने प्रयास रहे और उसमें कुछ आपके दिल से जो स्ट्रगल किए हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, यूपीएससी का तो एग्ज़ाम मैंने 4 बार दिया, लेकिन जो राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए एग्ज़ाम था उसमें तो मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया था, क्योंकि असली एम तो यह था कि मुझे आईएएस बनना है जी। और उस दिशा में ही जो है, इस लक्ष्य को लेकर मैं पढ़ रहा था। क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो बीच में जॉब भी फिर मैंने चालू कर दिया था रेलवेज में। और फिर इधर चूँकि यूपीएससी में आईएएस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था और यूपीएससी के भी मैं इंटरव्यू तक और फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुंच गया था, लेकिन आईएएस मुझे चूँकि उस समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर राज्य प्रशासनिक सेवा में आना चुना जी। मतलब आप अपने मतलब प्रशासनिक सेवा जो आपने चयन किया था वहाँ पूर्ण हुआ आपका, ठीक है। तो इसमें सर आपका जो है प्रशासनिक सेवा के बाद जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तो उसमें आपका क्या अनुभव रहता है? जैसे कोई छात्र रहते हैं उनका एक सपना जो रहता है कि हमारी पहली पोस्टिंग हो, फिर वहाँ जो है आपका क्या अनुभव रहा सर? और आपके इसमें आपके परिवार को जो है, आपको परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, जो जहाँ तक परिवार की बात है, परिवार में किसान, किसानी काम ही करते थे और बस्तर में जैसे कि तेंदुपत्ता का जो एक सीज़न होता है उसमें तेंदुपत्ता कटाई होती है और हमारा परिवार भी जो है, मेरा परिवार जो है तेंदुपत्ता तोड़ने भी जाता था और जो पिताजी थे वो तेंदुपत्ता के जो है एक सुपरवाइज़र के रूप में भी काम करते थे, क्योंकि फड़मुंशी होता है और फड़मुंशी के ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है और ये प्राइवेट ठेकेदार जो उस समय हुआ करते थे ये साउथ से आते थे, दक्षिण भारतीय हुआ करते थे, उनको लोकल आदमी चाहिए रहता था, तो पिताजी उस काम में सुपरवाइज़र का काम करते थे और हम लोग भी जो है तेंदुपत्ता कलेक्शन का भी काम करते थे। और चूँकि ये गर्मी के समय होता है, उस समय कृषि का काम नहीं होता है, तो ये हम लोग भी जो है सभी लोग घर के लोग तेंदुपत्ता कलेक्शन में रहते थे और एक उससे एक अच्छा आय होता था और वो हम लोगों को पढ़ने के लिए भी काम आता था। और जहाँ तक मेरी प्रशासनिक क्षेत्र में पहली पोस्टिंग की बात है, तो रायपुर ही ज़िला मुझे जो है पहला मिला था और रायपुर से ही मेरी ट्रेनिंग भी चालू हुई और रायपुर में अलग अलग हम लोग सेक्शंस में जाके ट्रेनिंग लेते थे और यहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन हुआ करता है, तो प्रोबेशन के दौरान जो है अलग अलग पद में हम लोगों को काम करने के लिए दायित्व सौंपा जाता है। सीओ जनपद पंचायत के रूप में भी काम करने का दायित्व रहता है, तहसीलदार के रूप में भी काम करने का दायित्व रहता है, एसडीएम के रूप में भी काम करने का दायित्व रहता है, तो ये सारे काम जो है हमने सीखे और निभाए। और उसके बाद ही फिर जो है यहाँ से फिर हमारा जो 2 साल का प्रोबेशन है ख़त्म होने के बाद मुझे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर और सिवनी ज़िले में काम करने का अवसर मिला जी।
सर, आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ 2000 में इसका अस्तित्व में आए, तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, तो उस समय दोनों राज्यों को लेकर प्रति सर आपका काम का कैसा रहा, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद शासन प्रशासन का क्या रहा, कुछ उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह चूँकि काम करने का अवसर मिला है, और चूँकि पहले पूरे क्षेत्र मध्य प्रदेश ही हुआ करता था, और हम लोग जो है जो सेवा चालू किए हैं मध्य प्रदेश से चालू किए हैं, और 2000 में जब राज्य बना तो मुझे मंत्रालय में भी काम करने का अवसर मिला, और रायपुर SDM भी काम करने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश में मैंने सिवनी ज़िले में जो है घनसोर वहाँ पर SDM के रूप में रहा, और नरसिंहपुर ज़िले में जो गोटे गांव है वहाँ भी SDM के रूप में काम करने का अवसर मिला। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वर्किंग है उसी को छत्तीसगढ़ ने अपनाया है, और दोनों राज्यों का जो क्षेत्र है वो भी लगभग जो है, यदि मैं सिवनी ज़िले की बात करूँ वहाँ भी ट्राइबल एरिया है, और छत्तीसगढ़ में तो है ही, और मैं खुद ट्राइबल एरिया से ही बिलोंग करता हूँ। और काम का जहाँ तक सवाल है, दोनों राज्यों में जो है एक जैसा काम है। हाँ, ज़िले ज़िले में जो है फर्क हो सकता है, किसी ज़िले में जो है हमारी फाइलिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, और किसी ज़िले में जो है हो सकता है कि नवगठित ज़िले हों वहाँ पर उतना अच्छा वर्क कल्चर नहीं आ पाया हो, लेकिन दोनों राज्यों में जो है लगभग लगभग एक जैसा ही काम का है जी। तो अच्छा, आपका दोनों राज्यों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अनुभव रहा। जैसे सर अभी आप बिहार क्षेत्र से आप प्रारंभिक रूप से आए हैं, तो गांव ग्रामीण क्षेत्र या अंचल जंगल से आपका क्या नाता रहा है, अभी भी आप जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं ज़मीन से जुड़ी हुई बातों की? देखिए, जहाँ तक गाँव जंगल और हमारे जो क्षेत्र है उससे जुड़ी बातें हैं, अभी भी मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में विकास करने की विकास की संभावना बहुत है। क्योंकि यदि हम देखें, चाहे बीजापुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे नारायणपुर क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में यदि हम डेवलपमेंट ज़्यादा करते हैं, डेवलपमेंट जितना ज़्यादा करेंगे, जितना लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी, मुझे लगता है कि नक्सलिज्म उतना जो है कम होगा, और जो लोकल अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो नक्सलियों की तरफ जाने का सोचते हैं उतना जो है वो शासन की तरफ आने का सोचेंगे। और अभी भी जो है मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। अभी नारायणपुर क्षेत्र को ही हम देखें, अभुजमाड़ क्षेत्र देखें जी, तो वहाँ अभी भी लगभग 250 गाँव का जो है नक्शा नहीं बना है, नक्शा नहीं बना है, ज़मीन का जो है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग ज़मीन में कब्जा रखे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके पास कोई राइट नहीं होगा तो कल के दिन उसके आधार पर लोन लेना है या बिक्री करना है, तो ये सब बातें जो है ना फिर नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे उससे जो है वो वंचित रह जाते हैं जी। तो उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। अभी भी प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं कि जितना जल्दी लोगों की समस्या हल हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो फिर लोग जो है फिर शासन प्रशासन के प्रति जो है आंदोलन का रूप अपनाते हैं जी जी। तो लोगों की समस्याओं को हल करने के प्रति हमारा जो है जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व दिया गया है, उसके प्रति लोगों को जो है गंभीर होने की ज़रूरत है। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको गंभीर होने की ज़रूरत है, और उनके सामने जो समस्याएं आती हैं उसको वो किस ढंग से और कितनी जल्दी से हल कर पाते हैं, इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। ये तो आपके उसके समस्या का रूप बताया सर। तो जैसे छत्तीसगढ़ आज लगभग 24 वर्ष हो गए सर,
तो इसमें जो है आप जो नक्सलवाद है और जो समस्याएं आपने बताई, तो लगभग इसमें जो है जिम्मेदार हम किसको मान सकते हैं सर, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विचार। देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, विकास और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। यदि हम विकास पहले किए रहते तो शायद जो है वो समस्या नहीं आती जी। और शिक्षा का भी, जिस प्रकार से शिक्षा का प्रसार उस क्षेत्र में होना चाहिए, यदि हम, मैं जसपुर कलेक्टर रहा हूँ तो जसपुर एरिया में शिक्षा का बहुत अच्छा प्रचार हुआ है। शिक्षा जो है बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी माध्यम के बहुत सारे स्कूल जो है उनके द्वारा, मिशनरीज के द्वारा खोले गए, वहाँ डेवलपमेंट जो है आपको दिखता है। और वहाँ के बहुत सारे जो यूथ हैं या पहले के जो अधिकारी हैं, विभिन्न पदों में पहुँचे, चाहे वो IAS हो, IPS हो, जुडिशरी हो, हर क्षेत्र में डॉक्टर्स भी वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ के यदि डॉक्टर्स निकलते हैं तो वो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वहाँ डॉक्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि बस्तर का यदि हम उदाहरण लें, वहाँ चूंकि शिक्षा देर से पहुँची है, वहाँ पर के डॉक्टर कम निकले हैं, तो वहाँ के लिए काम करने के लिए हमको डॉक्टर जो है बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से लोग जाके काम करने के लिए उतना इच्छुक नहीं रहते हैं। तो यदि उस क्षेत्र से ही निकले तो शायद, यदि हम पहले मेडिकल कॉलेज वहाँ खोल दिए रहते जी, जो जगदलपुर में अभी मेडिकल कॉलेज आया है, शायद 20 साल पहले, 30 साल पहले खुल जाता, शायद हम डॉक्टर जो है उस क्षेत्र से ज़्यादा निकाल पाते, जो कि उसी क्षेत्र में काम करने के इच्छुक होते। तो ये जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट और वो समस्या जी। ये है सर, आपने शिक्षा के बारे में बात की। सर, शिक्षा के बारे में एक छोटा सवाल ये है कि कई लोग के द्वारा ये कहा जाता है कि जो शिक्षा पद्धति है जो अंग्रेज ज़माने से चली आ रही है, तो उन्होंने ये स्थापित किया था कि एक जो है नौकरशाही तौर पर शिक्षा पद्धति उन्होंने बनाई थी, तो वो चल रही। तो अभी जो शिक्षा पद्धति है सर, तो उसमें कहाँ तक क्या सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार जो है हर चीज़ में परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। और भारत भी जो है, जो जिस समय शिक्षा पद्धति आई, वो शायद जो उन्होंने चालू किया वो उस परिस्थिति उस समय के लिए बहुत अच्छी रही, लेकिन समय के साथ साथ हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत में जो है शिक्षा पद्धति लाई गई, तो ये वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ये जो चेंजेस हैं वो अच्छे हैं। और आगे भी जो है शायद समय के साथ साथ जो है शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो गई जी। सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, कार्यशैली आपकी निर्विवाद पूर्ण रही है और आपके जो कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक आपने काम भी किए हैं, तो इस कार्यशैली के दौरान सर कोई ऐसा अनुभव जो आपके जीवन में यादगार रहा हो, ऐसा कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कई लोग जो है हम लोग के सामने आवेदन लेके आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। बहुत सारी जो सहायता उनको मिलनी चाहिए वो समय पर नहीं मिल पाती। मुझे काम करते समय ऐसे भी अनुभव हुए कि जो हम लोग राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत जो एक तत्कालिक सहायता राशि देने की मंशा रहती है, वो 10-10 साल में भी स्वीकृत नहीं हो पाया, ऐसे प्रकरण भी जो है समक्ष में आए। तो उसके लिए मैंने कलेक्टर रहते हुए, चाहे बेमेतरा हो चाहे जसपुर हो, मैंने कोशिश किया कि 24 घंटे के अंदर उनके पास सहायता राशि पहुंच जाए। तो चाहे वो तालाब में डूबकर मरने की बात हो, चाहे आपका सर्पदंश से मृत्यु की बात हो, चाहे आपका गाज गिरने से मृत्यु की बात हो, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो लोग प्रभावित होते हैं उसके कारण तात्कालिक सहायता का जो मनसा होती है शासन की, उसमें त्वरित सहायता पहुंचाने में मैंने कोशिश किया और उसको 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने स्वीकृत करके उनको भुगतान करने का भी बहुत सारे प्रकरणों में किया भी है। और उसके लिए क्या होता है कि हमारे चाहे पटवारी हो, नीचे के तहसीलदार हो, इनको मैंने बोला था कि जो है तत्काल एक तो उस आदमी तक पहुँचें जो प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार तक पहुँचें, उनके
जो भी आपको पंचनामा बनाना है, पीएम रिपोर्ट लेनी है, थाने का मर्ग इंटीमेशन की कॉपी लेनी है, तो अलग अलग आदमी लगाकर वो 24 घंटे के अंदर प्रकरण तैयार करते थे और मुझसे स्वीकृति लेते थे और उसको फिर 24 आवर्स के भीतर हम लोग जो है वितरित भी करते थे। एक मुझे लगा कि इसमें मुझे काफ़ी संतुष्टि भी मिली कि मैंने कोशिश किया तो लोगों को आर्थिक सहायता जो है तत्काल मिलने लगी। जी जी, बहुत बढ़िया सर। इसमें जो है उनको, जो पीड़ित हैं उनको अपने समय पे सही सहायता राशि मिल गई। और सर इसमें जो है एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे नया रायपुर है सर, तो नया रायपुर के जो बसाहट है और जो विकास के बारे में, इसके बारे में सर क्या बोलेंगे? देखिए, जब मैं रायपुर में एडिशनल कलेक्टर था, ये 2009 की बात है, तो मुझे ऑफ़र आया कि NRDA में आपको काम करना है, तो मैं NRDA में फिर काम करने के लिए आया। और यहाँ का जो अनुभव था बताना चाहूँगा कि एक तो ज़मीन अधिग्रहण की बहुत बड़ी हम लोग चैलेंज था जी। क्योंकि लगभग 8000 हेक्टेयर, मतलब ये 20000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन जो है हमको अधिग्रहण करना था। और दूसरी जो एक समस्या थी कि एक राखी गांव को हमको जो है उसको पुनर्वासित करना था, जिस जगह से अभी थे उसको शिफ्ट करके दूसरे जगह बसाहट करना था, क्योंकि वहाँ मंत्रालय के पास में था। और भी चैलेंजेस आते गए, तो उसमें बताना चाहूँगा कि एक नया रायपुर की जो प्लानिंग है, ये काफ़ी आगे की सोच को लेकर जो है प्लानिंग हुई है। इसमें आप देखेंगे तो कहीं बाहर में बिजली का तार नहीं मिलेगा, सब कुछ अंडरग्राउंड, बिजली के तार भी अंडरग्राउंड हैं, आपके सीवरेज भी अंडरग्राउंड है, वाटर सप्लाई भी अंडरग्राउंड है, तो सब कुछ जो है आपको व्यवस्थित और आगे के लगभग 100 साल के भी और आगे सोचकर जो है ये बनाया गया। तो ये एक अच्छा अनुभव जो है यहाँ पर मुझे मिला। ज़मीन अधिग्रहण में जो भी हम लोगों को समस्याएं आती थी, आपसी सहमति से जो है हम लोगों ने इसमें जो नीति बनाई थी, एक बहुत अच्छी नीति थी कि लोगों से आपसी सहमति से ज़मीन ली जाए, तो इसमें काफ़ी मतलब लोगों ने सहमति के आधार पर भी दिया। और उनके 2031 तक के लिए उनको जो है हर साल एक एनुटी का भी उसमें कॉन्सेप्ट रखा गया कि हर साल हम लोग इतना और राशि जो है जिन लोगों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई थी उनको हर साल भी मिलेगा। और यहाँ के प्रभावित लोगों के लिए भी जो पुनर्वास नीति बनी थी, एक अच्छी नीति थी। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग नया रायपुर को लेकर बाहर विदेशों में भी जो है जाने का भी मौका मिला, विदेश में भी जो नई राजधानियाँ बनी हैं उसको भी देखने का मिला। और उससे जो है जब आप बाहर जाके देखते हो, बाहर की दुनिया को देखते हो, तो एक विज़न जो है आपका खुलता है, नया कॉन्सेप्ट मिलता है, नई चीज़ें भी मिलती है। तो जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि भारत जो है अभी उस लेवल में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, हम लोग उस लेवल तक शायद अभी पहुंचे नहीं हैं। तो ये नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करने का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो सर मैं इसमें एक जो सवाल, जो आपके प्रशासनिक सेवा के अलावा आपके जीवन में और क्या उद्देश्य रहे हैं, जो जिसमें आपको संतुष्टि मिलता हो, या फिर कोई ऐसे कार्य या फिर कोई ऐसे हॉबीज हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? देखिए, हम लोग शायद प्रशासनिक काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि परिवार को शायद उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो परिवार और अपने काम के साथ जो बैलेंस एक होना चाहिए, वो जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है। और तो परिवार को भी उतना समय आप दे पाएँ, अपने काम को भी जो है समय दे पाएँ, तो ये जो है हमको देख के चलना चाहिए, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हो, परिवार आपका मूल है, और उसके बाद ही आपका जो है जो जिम्मेदारी है वो बनती है। तो
दोनों तरफ आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। मतलब देश प्रदेश की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, जिसमें मतलब ऐसा भी होता है कि पारिवारिक कुछ खुशियां भी कुर्बान करनी पड़ती हैं, समय का अभाव भी रहता है, तो ये बहुत अच्छा रहा। सर लास्ट अंत में ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे आज छत्तीसगढ़ के युवा हैं और आप एक प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं सर, तो इसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको उनके लिए कोई एक संदेश आपकी तरफ से? देखिए, अभी के जो युवा हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि एक तो अपना जो पढ़ाई के समय लक्ष्य है वो यदि आप पहले निर्धारित कर देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे वो आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हो, प्राइवेट इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, आपकी जो भी हॉबी है उसका जो है निर्धारण यदि आप समय पर कर लें और उस लक्ष्य के अनुसार काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जिस क्षेत्र में भी जाने की इच्छा है उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरा, अपना जो सोचने का अपना ढंग है उसको हमको ओपन रखना चाहिए, क्योंकि हम यदि हम किसी चीज़ में संकीर्ण रहेंगे, अपने सोच को जो है ना संकीर्ण लेके काम करेंगे तो आप शायद उतना जो है सफल नहीं होंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि गांव-गांव में जो है अंधविश्वास भरा पड़ा है जी, तो इस चीज़ से लोग उभरे। मेरी लोगों से अपेक्षा ये रहेगी, लोग जो यूथ हैं, आने वाले जनरेशन है, उससे उनसे अपेक्षा ये रहेगी कि लोग जो है अपने सोच को इस तरह से विकसित करें कि हम सारे अंधविश्वास से ऊपर उठें और जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको समझें और उस पर जो है चलें। तो आपका बहुत बढ़िया सा संदेश रहा कि जो अंधविश्वास है उससे ऊपर उठें, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी ही सहजतापूर्वक अपने व्यस्थित जो आपका जो समय है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आपका, उसके बावजूद भी आपने हमको समय दिया और सहजतापूर्वक आपने हमारा सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।